आप सबों को आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज गोधोली बेला में आप सबों के बीच में मैं मुखातिब हुआ हूं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हमारे पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव का ये 14 वर्ष हो चला है। 13 वर्ष पूरा करने के बाद ये 14 वर्ष में कदम रखा है और आप सभी अखबार के माध्यम से देखे होंगे कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, सबों का कल दिनांक 27/8/2024 से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन। आखिर कौन सी ऐसी इन पर व्यथा है, इन पंचायत प्रतिनिधियों का जो कष्ट है, जो मांग है, इस पर हम आप सबों के बीच में हमारे पंचायत के मुखिया श्री नवकृष्ण लोहरा जी से मैं आप सबों को रूबरू कराऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पंचायत प्रतिनिधि किन किन मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कल से करने जा रहे हैं। मैं अभी आप सबों को हमारे पंचायत सचिवालय बंसिया में हमारे मुखिया महोदय नवकृष्ण लोहरा जी से मैं आपको मुखातिब करने जा रहा हूँ। पंचायत के जितने भी माताएं बहने हैं और युवा साथी हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ काम के लिए हमारे मुखिया महोदय से सिग्नेचर करवा रहे हैं। मैं इन्हीं के बीच में आपसे कुछ मुखिया महोदय जी आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने सुना है कि कल से आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के समक्ष होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आखिर कौन से मांग है और किन किन मांगों को लेकर के आपका कल से धरना प्रदर्शन है। सबसे पहले आपको नमस्कार। हम इस चैनल के माध्यम से खास करके सरकार से हम अवगत कराना चाहेंगे कि हम प्रदेश कमेटी, जो हम लोग का प्रदेश मुखिया संघ है, प्रदेश मुखिया संघ में हम लोग का जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग जो राजभवन में एक मांग को लेकर हम लोग जो विभिन्न मांग, बहुत सारे मुद्दा हैं, जैसे हमारी पंचायती राज में जो 29 शक्तियाँ हैं, वो 29 शक्तियाँ से भी कम 5 हम लोग का जो अधिकार है, उस अधिकार से भी हम लोग को अगर वंचित किया जाएगा तो 29 शक्तियों का यहाँ पर तो सरकार सिर्फ कागज़ में हम लोग को 29 शक्तियाँ को अभी दिखा रही है कि पंचायती राज में मुखिया को 29 शक्तियाँ प्राप्त हैं, किंतु 29 शक्तियाँ ना देकर हमें सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम 5 साल के लिए चयनित हैं और 5 साल के लिए चयनित हैं और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको एक मुखिया का इतना सम्मानित पद दिए हैं, जो अभी पंचायती राज व्यवस्था में संविधान के जो नियमावली है और जो सरकार का गाइडलाइन उसका बचा के रखा है। आप देख सकते हैं ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये ऐसे कामें रोज कौन सा विधायक करते हैं या कौन सा एमपी करते हैं आप जान सकते हैं। तो सरकार को तो ये होनी चाहिए विचार कि एक मुखिया का मूल्यांकन क्या होना चाहिए। हम लोग अभी खास करके 27 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, उसका मुख्य हम लोग का 5 मांगे हैं। 5 मांगे हम अपने पंचायत ग्रुप में व्हाट्सएप कर चुके हैं, हम जनताओं को भी आगाह कर चुके हैं, सूचना दे चुके हैं कि 5 दिन ये 5 मांगे को लेकर ही नहीं, हम जनताओं की सुविधा के साथ साथ हमारे मुखियाओं जितने हैं, मुखियाओं का भी अपना जीवन भरण पोषण और उनका सहूलियत और उनका सुविधा के लिए सरकार कुछ ध्यान दे। मैं सुना हूँ कि आप लोगों का डिमांड एक है, हमारे ही देश का, जो हमारे भारतवर्ष में ही एक राज्य है केरल, जहाँ पर मुझे सुनने को मिला है कि वहाँ पर 30,000 रुपया का मानदेय दिया जाता है, और आपको अभी वर्तमान में सरकार क्या मानदेय दे रही है? जी बिल्कुल ही एक ही राज्य में, एक ही देश में, अलग अलग राज्यों में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे ही सटे हुए राज्य में हमसे जो मानदेय है ये अभी फिलहाल 2500 रुपया की है सरकार। 2500 रुपया इतना मोरी मोरती छठी नामकरण में जो खर्चा होता है, और 15 फाइनेंस जो अभी काम देखिए, मेरे यहाँ 15 फाइनेंस पेपर वाला पर काम हो रहा है। इस योजना का प्राकृत राशि आप खोल के देखिएगा, योजना कोड देखे देखिए, उसमें GST कितना कटता है। भी इलेक्टेड हो महोदय, मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि महोदय आप भी इलेक्टेड हो, आप सिलेक्टेड नहीं हो, लेकिन आपका मानदेय विधानसभा सत्र चलने से पहले ही आपका मानदेय लागू हो जाता है। लेकिन एक मुखिया भी 5 साल के लिए प्रतिनिधित्व, क्योंकि हम शुरू का मुखिया नहीं है, ये तीसरी त्रिस्तरीय चुनाव में हम मुखिया चयनित हुए हैं, तो इसमें
मेरे जैसे कितनों मुखियाओं का दर्द है, कितने ऐसे मुखिया आपातकालीन मर गए, इनका इंश्योरेंस भी नहीं किया गया, उसका कुछ मुआवजा भी उनके परिवार को नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मानदेय के रूप में 2500, आप 2500 का कैलकुलेट कीजिए महोदय। और ये संविधान जो आप बचा कर रखे हैं, जो ये योजनाएँ चल रही है, किसके माध्यम से चल रही है, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था को बांधते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था के हम लोग वाहक हैं, पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग सुचारू ढंग से चला रहे हैं, आप ही का गाइडलाइन का काम कर रहे हैं महाराज। लेकिन कम से कम ये तो सुनिश्चित करें कि एक वर्कर का उचित माने मूल्य क्या होना चाहिए, उसका मानदेय क्या होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने हमेशा लोकसभा चुनाव में संविधान का एक बुक को हमेशा हर सभा में लहराया करते थे, और उसको ही लहराकर आज जो भी इंडिया गठबंधन हमारे राज्य में अभी सरकार चला रही है, तो क्या संवैधानिक के अधिकारों का हनन उन्हीं लोग कर रहे हैं जो संविधान की बात करते हैं, क्या ये सत्य है? सर ये 100% सत्य है, क्योंकि जो संविधान सत्र विधानसभा सत्र में या संसद सत्र में जो नियम और बजट बनती है, वो हमारे देश एवं हमारे प्रदेश के जितने भी आम जनता हैं उनकी सुविधाओं के लिए नियमावली बनाई जाती है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा नियमावली उनके पॉकेट जो है, उसका पॉकेट जो गर्म होने का होता है, ऐसे योजनाएं तैयार किया जाता है जिससे उनका कमीशन बना रहता है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं मुखिया रहूँ या न रहूँ, मैं आने वाले पीढ़ी आने वाले मुखिया को मैं एक ये काम करके जाना चाहता हूँ कि अगर मेरे एक आंदोलन से हमारे इस प्रदेश के मुखिया संघ के अध्यक्ष के आंदोलन से या प्रदेश के सारे मुखिया के आंदोलन से आने वाले मुखिया जो संविधान को बचा कर रखते हैं, आप तो बनाते हैं लेकिन आप सिर्फ अपने कमीशन के लिए करते हैं, हम तो सीधे तौर पर आपको दोष इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये आप बताइए जो योजनाएं आप लागू किए हैं, ये सारी योजनाएं धरातल पर कौन कर दे रहे हैं मुखिया, लेकिन आप उसका मानदेय क्या दे रहे हैं, उचित मानदेय क्या है? बहुत ही सटीक बातों को हमारे नवकृष्ण लोहरा जी मुखिया महोदय बंसिया पंचायत के बोल रहे हैं। हमारे हम इस सोशल मीडिया के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं, एक विधायक भी इलेक्टेड होता है, एक सांसद भी इलेक्टेड होता है, एक प्रधानमंत्री भी इलेक्टेड होता है, एक मुख्यमंत्री भी इलेक्टेड होता है, और एक मुखिया भी इलेक्टेड होता है, एक वार्ड सदस्य भी इलेक्टेड होता है, एक जिला परिषद भी इलेक्टेड होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ही देश में किस तरह से यहाँ पर सौतेला व्यवहार कहें या फिर जानबूझकर इन लोगों के अधिकारों का हनन करना, इन लोगों के अधिकारों से इनको वंचित करना, ये हमारे भारतीय संविधान के किन किन अक्षरों में लिखा गया है? मैं मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आपका वेतन कहाँ, एक सांसद का वेतन 1,95,000, एक विधायक का वेतन 1.5 लाख 2 लाख, और जिस दिन विधायक सांसदों का वेतन बढ़ाने का बात होता है तो एक कैबिनेट में पास कर दिया जाता है वो, और फिर कभी उसका ना बहस होता है ना कुछ होता है। लेकिन मुखिया जो आज हमारे संविधान को बचा के रखे हैं, लोकतंत्र को बचा के रखे हैं, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, लेकिन इनके ऊपर सौतेला व्यवहार हो रहा है, और आज उसी का आप रूप देखने जा रहे हैं कि कल से जितने भी झारखंड के हमारे मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी लोगों का अनिश्चितकालीन धरना राजभवन के समक्ष होने जा रहा है। मैं और एक सवाल हमारे मुखिया महोदय से कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कैंसर रोग की तरह ये फैलता ही जा रहा है। मुखिया महोदय, बेरोजगार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान की सरकार जो वादा की थी क्या वो सफल हो रहा है? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो नीति और नियम लागू कर रही है, अभी फिलहाल अभी हम लोग को दंश झेलना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री से तो मिलना दूभर, मुखिया का मिलना तो दूभर, हमारे मुखिया के ऊपर वाले जो प्रतिनिधि हैं उससे भी मिलना दूभर होता है मुख्यमंत्री साहब से। मैं मुख्यमंत्री साहब को ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय, कि आपने जो 50 वर्ष की महिलाओं को ये सम्मान राशि देने की बात किए थे, उसमें से कुछ परसेंट भी महिलाओं को दिया गया जिसका दंश हम लोग झेल रहे हैं कि मेरा कब होगा बाबू, मेरा कब होगा। महोदय, गांव के आईने में आकर आप देखें कि गांव की महिलाएं कितनी आपको आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि मेरा 50 साल वाला पेंशन कब से लागू होगा। बहुत सारे ऐसे मौजे हैं हमारे पंचायत में
हमारे पंचायत के हमारे प्रदेश में जहाँ का अभी खाता प्लॉट रखवा अभी ऑनलाइन वहाँ पर जुड़ा भी नहीं है। अब महोदय एक प्रखंड में एक वीडियो सीओ को अब नियुक्ति करते हैं लेकिन उसमें से पूरा प्रखंड में एक कर्मचारी रहते हैं। अब बताइए खारिज दाखिल का काम कैसे हो पाएगा, ऑनलाइन रसीद कैसे कटेगा, ये तो कितना पेंडिंग पड़ा है महोदय आप तो ऑनलाइन देख सकते हैं। इसलिए ऐसा नीति ना करें, ऐसा नियमावली ना बनाएं जिससे आम पब्लिक बेवकूफ़ बना के ठगा रह जाए। नौजवान आज जो बेरोजगार है वह इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक नौजवान की तरह दिखते हैं और आप एक नौजवान हैं, इस पर मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं कि आज बेरोजगार नौजवान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। सर आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं हमारे पंचायत सचिवालय में बहुत सारे नौजवान हैं जो शिक्षित नौजवान हैं, ग्रेजुएट नौजवान हैं, जो हमारे यहाँ के जितनी भी सरकारें आई सारी सरकार की नीति और नियोजन के ये जो धूलमूल नीति के कारण कितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं आप देख सकते हैं। ये अगर इसमें उत्तर नहीं हो रहे हैं तो क्या इनके लिए कोई ऐसा योग्य नौकरी का प्रावधान नीति या नियम नहीं बनाया जा सकता है। आप जब सारा नीति नियम आपके हिसाब से चलता है तो क्या ऐसे बेरोजगार बेरोजगार ही रहे। मुखिया महोदय का कहना बहुत ही सटीक है कि आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटक रहे हैं और सरकार मौज मस्ती कर रही है, ये सच्चाई है। और आज अभी वर्तमान की जो इंडिया गठबंधन की सरकार है ये सारी जगह से विफल हो चुकी है, ना कि सड़क सही है और ना ही यहाँ के नौजवान सही हैं, ना कि यहाँ की माताएं बहनें हैं। ये कहे एक बात मुखिया महोदय ने कही कि पूर्व में जो आप 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कही थी आज भी वो पूर्ण रूप से आपका लागू नहीं हुआ है। अभी तक बहुत से महिलाएं वंचित हैं पेंशन से और मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए आप सबों को मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सब बने रहेंगे के लिए आज आपके सम्मुख मैं यानी जोहार।